हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अरे तो कैसे हो आप? और मैंने आज ये वाली साड़ी वेयर करी है पिंक कलर की। ओके, तो आज ना एक जनवरी है, यानी कि नया दिन नया साल। तो मैंने सोचा चलो नए दिन नए साल की कुछ शुरुआत जो है डिफरेंट तरीके से की जाए। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है ना, वो मैंने मॉर्निंग से तो शुरू कर दिया है, बट पता नहीं आगे क्या क्या होगा क्या क्या नहीं। वैसे तो मुझे अभी ये जो मेरे डोर है वो क्लीन करने हैं, और हमने रात में पाव भाजी वगैरह बनाई थी, तो वो सारा कुछ ना बहुत सारा बचा हुआ है। तो वैसे खाना वगैरह तो मुझे बनाना नहीं है, क्योंकि वही खा लेंगे ना यार, इतना सारा बचा है तो वो थोड़ी ना फेंक सकते हैं। तो मुझे लंच में कुछ नहीं बनाना है, और ब्रेकफास्ट भी हमने वही किया था, जो पाव थे ना चाय के साथ हमने पाव खा लिए है, अच्छे लगते हैं मुझे पाव खाना। और क्या, अभी मेरी दिया बाती वगैरह सब कुछ एवरीथिंग, मतलब क्लीनिंग का जो जो काम है ना वो हो चुका है, और मुझे हेयर वॉश करने थे। और ये देखिए मेरे सिर में कितना गंदगी लगा हुआ है ना, तो ये मैंने अभी ना बेड साफ किया ना, उसका लगा हुआ है शायद। तो चलिए पहले तो हम कर लेते हैं हमारा डोर का क्लीनिंग, और उसके बाद देखेंगे वीडियो में आगे क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, आज नया साल है, तो नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से, मेरे फैमिली वालों की तरफ से। तो चलिए भाई, मेरे कमर में ना कुछ तो हो गया है यार, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो वो बोलते हैं ना, जकड़ गई है, अकड़ गई है, तो उसी काइंड ऑफ से मेरे कमर में पता नहीं क्या हो गया है, तो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। तो मैंने मेरे हबी से मैंने बोला है कि आप ना मेरे लिए एक गोली लेके आना, जो कि मिलती है ना, तो वो होता है ना गर्दन में हो जाता है, फिर पीठ में कमर में, तो उसी काइंड ऑफ सम ये है, मुझे कमर में हो चुका है, तो मुझसे ना ऐसे झुका भी नहीं जा रहा है यार, क्या करूँ। चलिए तो करते हैं फटाफट से हमारा काम। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए मैंने आटा कल पीस के रखा था ना, ये देखिए यहाँ पर है हमारा आटा, तो इसे मुझे छानना है। और ये बाकी के गेहूँ जो है ना बच चुके थे, तो मैंने सोचा चलो इसको बाद में देख लेंगे, बाद में करेंगे। तो मुझे अभी तो आटा छानना है, आटा छानने के बाद खाना वगैरह तो बनाना नहीं है, तो देखेंगे। मैं ब्लाउज कटिंग कर लूँगी और ब्लाउज स्टिच कर लेंगे एक। चलिए तो फिर खुशी
तो यहाँ पर मैं लंच करने के लिए बैठी हूँ जो कि रात का ही बचा हुआ है। तो लंच में क्या क्या है वो आप देख ही सकते हो, और हमारा मोबाइल जो है ना मेरे हाथ से छूट चुका था तो इस वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो चुका था। तो यहाँ पर है पाव भाजी, और ये जो वाइट वाइट है ना ये खीर है, बहुत मस्त चील वाली। फ्रिज में रखने के कारण ना ये मस्त चील हो चुकी है, और मुझे चील वाली खीर तो आप सभी को पसंद है और मुझे भी पसंद है। आप सभी को पता है ना कि मुझे चील, एकदम से चील हुई जो खीर होती है ना वो बड़ी पसंद आती है, और जो रात की बची हुई खीर होती है ना वो तो ज़्यादातर अच्छी लगती है। और आप टाइम देखिए कितना ज़्यादा हो चुका था, और यहाँ पर सभी का खाना हो चुका था बट मेरा जो है ना बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो अभी खा लेते हैं। तो मैं ना अभी खाना खा रही हूँ, और मैं खाना खाने बैठी तो राज को भी बड़ा शौक आ गया, उसने भी बोला कि मम्मा मुझे भी खाना है, तो मैंने बोल दिया अच्छा खा लो। तो वो लेने गया है अपने लिए खाना, और खाना खाने के लिए खाना खाने के बाद ना मैं गोली भी लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरे कमर में पेन हो रहा है ना, तो इस वजह से। तो राज ना गोली लेने के लिए गया था मेडिकल पर, और उसने जैसे ही मुझे देखा कि मैं खाना खा रही हूँ तो वो भी बोलने लग गया कि मम्मा मुझे भी खाना है। तो बच्चे होते हैं ना हर एक इंसान के साथ, मतलब कोई खाता है तो उसके साथ उनको भी भूख लग जाती है। तो पहले उनका खाना हो चुका था फिर भी वो बोलने लग गया मुझे भी खाना है, तो मैंने बोल दिया भाई बहुत सारा बचा हुआ है आप भी खा लो। तो उसने भी टेबल के ऊपर ना लेके आ गया था, और ये देखिए मैं उसे बोल रही थी ना कि वीडियो चालू है, तो वो मतलब अलग से मुंह बना रहा था। आप देखिए, मतलब उसे मैंने बोला कि यहाँ पर वीडियो चालू है फिर भी वो सुन नहीं रहा था, और ऐसे अजीब से हरकतें कर रहा था। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को यही दिखा रही थी कि ये देखिए ये है वो गोली, तो मैं खाना खाने के बाद इसे ले लूँगी, मैंने पास में ही रखी है ताकि मुझे अच्छे से याद रहे इस वजह से। और खाना खाने के बाद ना मैं थोड़ा सा मतलब ये करने वाली थी, ब्लाउज वगैरह स्टिच करने वाली थी, बट मेरा मूड तो नहीं है आज, जाने दो, देखेंगे कल या परसों स्टिच कर लेंगे। और अभी टाइम है शाम का, तो मैं ये जो हमारे जो लोड बोलते हैं इसे, तो ये जो लोड है ना इनके कवर चढ़ा रही थी, जो कि मैंने घर पे ही स्टिच करे है अपने मशीन पर। तो मैं हर एक चीज़ मतलब घर पे ही स्टिच कर लेती हूँ, ज़्यादातर हम ऐसे बाहर से कुछ लाते नहीं हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काम करते करते ना लाइट चली गई थी, अभी आई डोंट नो पता नहीं कब आएगी कब नहीं, देखेंगे अभी वेट करते हैं क्या करेंगे, कुछ कर तो नहीं सकते ना। ये देखिए पूरा अंधेरा सा हो चुका है, तो अरे यार ये क्या हो गया, चलो थोड़ी देर में मिलते हैं लाइट आ जाने के बाद। ओके, तो लाइट आने के बाद ना मैं आटा छानने के लिए बैठ गई थी, और खुशी जो है मुझे बार बार परेशान कर रही थी कि मम्मा पापा ने जो पानी पूरी लाई है तो उसे हमें बना के दो। तो मेरा मतलब काम हाथ में का जो काम है ना वो छोड़ के मुझे ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इनको दे देते हैं पहले इनको खिला देते हैं और फिर बाद में काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं मेरे हबी से बात कर रही थी, आप देख ही सकते हो वीडियो में, तो उन्होंने ना मेरे लिए लाए हैं लिपस्टिक और सिंदूर। तो मैं वही उनसे डिस्कस कर रही थी कि कितने का लाए हैं क्या लाए हैं, और उन्होंने हुडा ब्यूटी का जो लिपस्टिक है ना वो लाए है, तो मैं आपको दिखाऊंगी वो, आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो खुशी और राज दोनों की दोनों परेशान किए जा रहे थे मुझे कि मम्मा हमें पानी पूरी दे दो पहले दे दो, तो चलिए अभी उनके लिए पहले दे देते हैं, ये जो बाकी का काम है वो बाद में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे हबी ने लाए है पानी पूरी, तो ये तीखा वाला पानी है, ये मीठा वाला पानी है, और ये है पानी पूरी जो कि हमने मसाला वगैरह डाल के रखा है, तो चलिए अभी इसे एंजॉय करते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.
sun rays, and on and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. सकते हो मैं थोड़ी सी रेडी हुई हूँ, आईलाइनर लिपस्टिक डार्क वाली लिपस्टिक लगाई है। तो मैं ना स्नैक मस्ती जो ऐप है वीडियोस बना रही थी वहाँ पर, इस वजह से मैंने थोड़ा सा लाइनर वगैरह लगाया है, नहीं तो मैं डेली में लाइनर नहीं लगाती हूँ। तो मेरा जो है ना सारा कुछ काम हो चुका है, तो मैंने सोचा चलो अपने वीडियो के एंडिंग भी कर लेते हैं। तो चलिए फिर मैं मेरे ब्लॉग की एंडिंग ना यहीं पर कर लेती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और आपकी अगर कोई फरमाइश हो, कोई आपकी रिक्वेस्ट हो, तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हो मुझे। तो मैं मेकअप ट्यूटोरियल वीडियोस भी लाने का सोच रही हूँ, बट मेरे पास ना मेकअप के प्रोडक्ट्स थोड़े से कम है इस वजह से, तो देखेंगे अभी जो है उसमें काम तो चलाना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट इसलिए बिकॉज अभी रात का समय है, ओके, बाय बाय।